रहने वाली ग्वालियर की शिवाजी यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर पद पर भर्ती का है। यूनिवर्सिटी में पद लंबे समय से खाली पड़ा है। आरोप है कि किसी चहेते को पद पर बैठाने के चक्कर में नियम कायदों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी अनदेखा कर दिया गया। एनडीटीवी के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक 29 मई 2000 को यूनिवर्सिटी की हुई समन्वय बैठक में डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन को टीचिंग पद माना गया था, यानी इस पद पर उसी की नियुक्ति हो सकती है जिसने टीचिंग की हो, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इसे नॉन टीचिंग पद बताकर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। डर यह है कि इससे ऐसे शख्स की नियुक्ति की जा सकती है जिसे खेल की ABCD भी न आती हो। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे विज्ञापन को नियम के मुताबिक ही बताने पर अड़ा हुआ है। अब इस खबर को समझते हैं, सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव जी बताएं, शिवाजी यूनिवर्सिटी का ये नया मामला सामने आया है, क्या कुछ है इस मामले में खास? बिल्कुल, देखिए अमृत, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है क्योंकि अभी तक तो शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की समस्याओं को लेकर चर्चा में रहती थी, लेकिन ये जो खबर है ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। ग्वालियर का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जहाँ से MTET BPET के बड़े स्टूडेंट निकलते हैं और देश भर के बड़े बड़े संस्थानों में यहाँ से पढ़े हुए बच्चे जो है वो खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अब जब इसमें डायरेक्टर का कुछ साल 2 साल से पद खाली पड़ा हुआ है, 2 साल पहले भी एक विज्ञापन निकाला गया था लेकिन वो कोर्ट से स्टे हो गया था। अब शिवाजी विश्वविद्यालय ने फिर एक इस पोस्ट को भरने के लिए कवायद शुरू की, एक विज्ञापन निकाला और ये विज्ञापन ही एक तरह से विवाद का विषय बन गया। इस विज्ञापन में इस पोस्ट को, जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, उस पोस्ट को नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट माना, जबकि जो जो विश्वविद्यालयों का संचालन करते हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष जो है मुख्य राज्यपाल होते हैं और जिसमें मुख्यमंत्री भी सदस्य होता है, सन 2000 में एक बैठक हुई और उस बैठक में जो राजभवन में एक बैठक हुई और उसमें जो विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य थे, जिसमें गवर्नर साहब थे, मुख्यमंत्री थे, खेल शिक्षा मंत्री थे, बाकी सब ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें पाया गया कि जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है और खेल निदेशक की पोस्ट है, ये पोस्ट जो है वो एकेडमिक पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट नहीं है, टीचिंग पोस्ट है। और इसमें इसका जो कारण भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसा एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में इस पोस्ट को टीचिंग पोस्ट माना था, लेकिन अभी विश्वविद्यालय ने जो जो इसका विज्ञापन जारी किया वो फिर पिछली बार की तर्ज पर ही इसको नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के रूप पद के रूप में किया। इससे जो है पूरे देश में, चूंकि ये देश का बड़ा खेल संस्थान है, यहाँ का जो विभाग है उसकी पूरे देश में साख रही है, देश भर से जो योग्य लोग थे वो डायरेक्टर पद के उम्मीदवार थे, एक ही झटके में वो सब बाहर हो गए, जिन्होंने खेल में PhD की रखी है, जिन्होंने खेल में गोल्ड मेडल ले रखे हैं, जो खेल के बड़े शिक्षाविद माने जाते हैं वो, और साथ में साथ ही साथ जो है खेल के जानकार भी हैं, ये सब एक ही बार में इस पूरी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। और अब ये इसके पास, जैसा कि NDTV अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा भी रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं जिसमें उसमें माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं ये टीचिंग पोस्ट है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने माना कि ये टीचिंग पोस्ट है, उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से शिवाजी विश्वविद्यालय इसको नॉन टीचिंग पोस्ट में कन्वर्ट करने बिल्कुल बिल्कुल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ चीजें होती हैं। देव जी, निश्चित तौर पर इस मामले पर क्या कुछ खास होता है, लेकिन एक एक पॉइंट आपसे समझना चाहेंगे। इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी क्या कुछ चीजें कही जा रही है, क्या अभी अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो टॉप लेवल के अधिकारी तो इस मामले पर कोई एक तरह से कहे बगले झांकते घूम रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कल हमने जब इनके PRO से बात की थी, जिसका बाइट भी NDTV के पास उपलब्ध है, उन्होंने कहा था कि नहीं, यूनिवर्सिटी में सब काम नियम कायदों से होता है और ये भी नियम कायदों से हो रहा है, ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम जाँच करेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी शिकायत न केवल ग्वालियर के कुलपति से की गई, कुलाधिपति से भी की गई है, और अब इसके जो दूसरा पक्ष है, जो प्रभावित पक्ष है, वो हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन शिवाजी विश्वविद्यालय अपनी उसी बात पर अड़ा हुआ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो नियमानुसार। निश्चित तौर पर
बहुत बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।